तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाले में। जैसे कि आपको पता है बीएचडी से 132 हिंदी का जो कोर्स कोड है, इससे पहले मैंने कुछ क्लासेस ले ली हैं और अब आप ही की डिमांड पर बीएचडी से 131 ये भी हिंदी का ही कोड है, इसे लेकर आया हूँ। देखिए अगर बात करूँ मैं आपको बीएचडीसी 132 की मैं बात करूँ तो मैंने इसमें आपको क्या क्या कराया है, मैंने इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दिए हैं क्वेश्चन पेपर में। यूँ नहीं कह रहा कि मैंने इसके आंसर कराए आपको, ठीक, ये मैंने आपको करा दिए। उसके बाद जो आपका फेवरेट होता है सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए उसकी सीरीज भी आपको करवा चुका हूँ। बचा कुछ जो आपकी चीज़ें रह जाती हैं उसके लिए मैं अलग से एक दोहे की सीरीज और लेकर आऊँगा। उसमें मैं क्या करूँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में दोहे आएंगे उनको कुछ मैन दोहे उठाकर आपको समझा दूंगा, जो अगर पेपर में आ जाए तो आप उसे कर पाए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अभी बीएचडीसी 132 की, और ये वाला जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी हिंदी का ही कोड है, ठीक, और इसमें भी कुछ चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं, तो आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और ये पहला ही क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा जो आपको मिलेगा बीएचडीसी 132 में, कौन सा वाला, दोहे वाला, तो इसका इंतजार करें, ठीक। चलिए अब करते हैं शुरुआत इस वाली क्लास की। बात करूँ आपके कोर्स कोड की, आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ मैं, ये है आपका कोर्स कोड, ठीक। और इसके बाद बात करूं मार्क्स की, तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा और टाइम वही आपको कितने मिलेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे का इसमें क्या मिलेगा आपको, टाइम। इसे करेंगे थोड़ा जूम, ये देखिए। बात करूं आपके पार्ट ए की, पार्ट ए में जो टोटल आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कितने होंगे, 5। 5 में से आपको क्या करने पड़ेंगे जी, 5 में से पर्सनों में से सभी समान अंक के हैं। पहले क्वेश्चन की बात मैं करूँ, आधुनिक युग के प्रमुख कालखंडों का परिचय दीजिए। इसके बारे में अगर आपने मेरी बीएचडी से 132 वाली सीरीज हिंदी की देखी है तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया। राम भक्ति काव्य धारा, पूरी का पूरा जो भक्ति काल है उसके बारे में मैं, इससे पहले जो हिंदी की क्लास ली है मैंने बीएचडीसी 132, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, भक्ति काल मैंने उसमें समझा रखा है। उसमें क्या समझा रखा है, लाइक उसकी क्या क्या क्वालिटी थी, उसमें क्या क्या चीजें होती थी, विद पिक्चर्स के द्वारा मैंने आसान उसमें कर रखा है। दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा, ठीक है, रीति काल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, रीति काल से रिलेटेड है, ये भी मैंने करवा रखा है। हालांकि इसके लिए मैं दोबारा कराऊंगा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जिसे और भी जल्दी है, जिस दोस्त को मेरे जल्दी है, लाइक वो कहना चाहता है सर नहीं मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, इसकी भी प्रिपेरेशन हो रही है, हमारी टीम इसके लिए तैयारी कर रही है। लेकिन अभी आपको जो करना है, भारतेंदु युग भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आपके लिए दोबारा इसमें से मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। भारतेंदु युग के बारे में आपको बताना है, इस युग की, देखिए एक छोटी सी बात, जब किसी भी युग की बात आती है ना उसमें 3-4 पॉइंट्स होते हैं, उस युग की क्या क्या क्वालिटी थी, उस युग में किन किन भाषाओं का प्रयोग हुआ और कौन कौन से राइटर थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, ठीक। और हिंदी कहानी के विकास कहानी की बात करूँ तो आपका जो है इसमें किन किन राइटर, प्रेमचंद आपने स्कूल में पढ़ा होगा 1880, प्रेमचंद के फटे जूते, वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, तो बताइए इसे तो आप स्टार लगा लो कम से कम, अगर ये पूछा गया है ना प्रीवियस ईयर सीरीज में। मैं आपको लास्ट में जो लाऊंगा वो लेकर आऊंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन पेपर जो आपका पहले आया था। इसे देखने के बाद आपका काम सिर्फ इतना होता है, आप जो भी तैयारी कर रहे हो थोड़ा उसे मैच कर लो। यूँ नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ तो हम रहे ही हैं फिर भी कंपार्टमेंट या बैग आ जाए तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो इसे ध्यान से देखेंगे और अपना एक माइंड मैप तैयार करो कि जो भी आपको पढ़ना है इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड चीज़ें आपके आसपास घूमनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है हिंदी के पेपर में हम साइंस पढ़ लेंगे, नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर और बचे हुए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। बात करूँ तो ये आपका जो है दिसंबर 2021 का पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, कौन सा, दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर देखिए, हिंदी नाटक के विकास, ये वाला क्वेश्चन जो है हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद की भूमिका, हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद जो है इनकी भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। आदिकाल के नामकरण के बारे में आपको बताना, सूफी काव्य की व्यंजना, सूफी की बात करूँ तो मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, ये कौन से जितने भी सूफी काव्य हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए। तो ये कुछ जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए या आपके, बात करूं दिसंबर 2021 प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एक छोटी सी यहाँ पर ये सीरीज में लेकर आया हूँ। इसमें आपको क्या कराऊंगा, इसमें आपको मैं कराऊंगा मैक्सिमम तीन से चार क्वेश्चन पेपर।
के क्वेश्चंस आपको लेऊंगा और यहाँ पर कराऊंगा और आपको सारे कराऊंगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, एक एवरेज लगाएं तो 10 क्वेश्चंस इसमें जाए हैं। अगर मैं चार पेपर के कराऊं 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। तो बताइए 40 क्वेश्चंस को करना एक समझदारी है एक बेवकूफ़ी? तो आप बोलोगे सर ये बेवकूफ़ी है, तो हमारे लिए क्या लाओ आप? हमारे लिए लेकर आओ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा आपके 4 से 5 जो हमारी टीम यहाँ पर निकालेगी एनालिसिस करने के बाद। अभी तक आपने एक भी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है सबसे फेमस यहाँ पर चल रही है, और कम से कम 5 क्वेश्चन में से 4 तो आपके 100% यहाँ से आते ही आते या बनते ही बनते हैं। तो ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब थोड़ी सी चर्चा में कर लेता हूँ जो बेसिक पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है, आपको देखो आपकी बात करूं, कोड है BHDC131। ठीक, बात करूं किसका है, ये कोर्स कोड है आपका हिंदी का। किसका है? हिंदी का। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊं, जब किसी भी काल की बात आए, इंपॉर्टेंट ले लीजिए मान के चलिए भक्ति काल, तो आपको क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है। काल की बात आती है, काल की आपको क्या बतानी पड़ती है, वहाँ पर क्या क्या रचनाएँ हुई उस समय में, क्या क्या रचनाएँ हुई। ठीक, अब देख लीजिए एक बार मैं क्लियर करूँगा, रचनाएँ कौन कौन सी हुई। ठीक है, कौन कौन से लेखक या कवि उस टाइम पे फेमस हुए, किस भाषा का उन्होंने उपयोग किया। लाइक वो आपकी कौन सी हो सकती है, ब्रज हो सकती है, खड़ी हो सकती है, ठीक, अवधि हो सकती है, ये सारी क्या है, भाषाएं हैं। आपको ये वहाँ पर बताना है, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि जैसे अभी आपने, मैं काल के बारे में इंट्रो दे रहा हूँ आपको, आगे नहीं जाना इससे, काल के बारे में, और किन किन चीज़ों का वहाँ पर विकास हुआ। मान के चलिए विकास यहाँ पर हुआ नाटक का हुआ, उपन्यास का हुआ ठीक, या आपका क्या हुआ, या आपका ये कविता का हुआ। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का विकास हुआ तो कौन कौन उसके सपोर्टर रहे, क्या रहे आपके सपोर्टर रहे, सपोर्ट किस किस ने किया। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी सी एक चीज़ करनी पड़ती हैं। और देखिए बात करूँ जीवन परिचय की, अगर आप छोटा सा भी इसे याद कर लेंगे ना, तो मान के चलिए कहने को तो ये जीवन परिचय है, लेकिन ये आपके 5 नंबर पक्के करा देता है। क्योंकि एक जीवन परिचय पढ़ने का मतलब है उस राइटर का थोड़ा सा आपको क्या जानना, उस राइटर का आपका इंट्रो जानना, उसकी रचनाएँ जानना, ठीक, और उसके बारे में क्या जानना, रचनाएँ जानोगे उसके, जो आप उसने रचना किया किस किस की है, मतलब उसकी बुक्स वगैरह हो गई, या कौन कौन सी चीज़ें फेमस हुई, उसके अलावा किन किन भाषाओं पर उसकी पकड़ है, और रहने वाले कहाँ के हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़, कुल मिलाकर यही चीज़ें आसपास घूम रही है। ये छोटा सा माइंड मैप मैंने आपके लिए तैयार किया है। और बात करूँ ये जो मैंने आपको कराया क्या था, ये दिसंबर 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन पेपर और लेकर आऊँगा। ठीक, तो हिंदी का पूरा आपने देख लिया होगा। इस सीरीज को इसी तरीके से बनाए रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पता है, जैसे मैंने आपके लिए क्या कराया, BHDC 132 की सीरीज जो चली हुई है, उसके सच बताऊं आपको तो 70% कंटेंट यहाँ पर मैच हो रहा है। तो जो इंतज़ार करना चाहते हैं वो इंतज़ार करें, लेकिन जो चाहते हैं मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल अभी के अभी पढ़ना चाहता हूँ, वो दोबारा से BHDC 132 की सीरीज की तरफ मुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। और आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो नया चाहिए, तो उन्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। हालांकि आपको इतना पता है, छोटे बच्चे तो हो नहीं, हिंदी का ही एक सब्जेक्ट कोड है, हिंदी का ही वो सब्जेक्ट कोड है। हिंदी की बात आए, प्रेमचंद आपके BHDC में आ जाए या BHDC 132 में आ जाए, 31 में, मेरे दोस्तों रहेंगे तो वो प्रेमचंद बदल थोड़े नहीं जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा इंट्रो पसंद आया होगा और क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। ठीक, आने वाले समय में इनके आंसर्स भी लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।